तो कुछ इस तरह से लग रही है ये फाइनल लगने के बाद। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपनी कार के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, उनमें से एक तो ये LED लाइट आ गई थी जो मैंने लगाई थी। बहुत सारे लोगों ने शायद वो वीडियो ना देखी हो, नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। मैं डैशबोर्ड LED लाइट अपनी कार के लिए मंगाई थी और फिट भी की थी खुद से। हाँ, वो फिटमेंट उतनी स्मूथ और उतनी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि घर पर उसको मैंने खुद से कराने की कोशिश करी, शायद मैं किसी प्रोफेशनल के पास जाकर उसको कराऊँ। तो एक और चीज़ मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी तो वो मेरे पास आ गई है, फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है एंड मैं उसको लगा के भी दिखाऊंगा। बेसिकली क्या है कि हमारी कार के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ वो धीरे धीरे खुद से ख़राब होते रहते हैं या हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब ख़राब हो गए। जिनमें से एक पॉइंट जो है वो ये वाला पोर्शन है। ये जब हम कार में इनग्रेस एग्रेस करते हैं, आते हैं और बाहर निकलते हैं, तो ये पोर्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जिस पे पैर लगते हैं गंदा भी होता है और ख़राब भी हो जाता है, स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। यहाँ तो हम कई बार वो लगवा लेते हैं जो मैंने भी लगा रखा है, फुट स्टैप नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, मेरे एग्जैक्टली अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर यहाँ पर हम कुछ नहीं लगा पाते। तो मैंने यहाँ के लिए कुछ मंगाया है एंड उसको यहाँ के अलावा में कई सारे और जो पॉइंट हैं जहाँ भी आपके छोटे मोटे कोई स्क्रैच आ गए हैं या कुछ आप डेकोरेशन करना चाह रहे हैं उस सब के पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मंगाया था अभी, इसको मैं मतलब खोल चुका हूँ। दिस इज़ अ विनाइल रैप। ये कई सारे अलग अलग तरह के डिज़ाइंस में अवेलेबल था पर मैंने जो मंगाया है वो ये मंगाया है ब्लैक कलर में एंड इट इज़ क्वाइट शाइनी एंड ब्लैक कलर का ये रैप है। और इसके साथ इन्होंने इसकी एक यूज़र गाइड भेजी है ये कि ये कैसे यूज़ करना है एंड उसके अलावा एक इसको लगाने के लिए प्रॉपर चिपकाने के लिए एक इसका छोटा सा टूल भेजा है। तो भी मैं अपने चारों इन कॉर्नर पे आपको लगा के भी दिखाता हूँ कितने का ये मुझे पड़ा, ये भी मैं आपको बताऊँगा एंड इसका बाइंग लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। वैसे खुद से भी आप सर्च करके बाय करना चाहे कर सकते हैं बट वहाँ से आपको डायरेक्ट वो लिंक मिल सकता है जहाँ से आप डायरेक्टली उसको बाय कर देंगे। प्राइस भी इसके काफ़ी मुझे सही पड़ गए अभी तो, और भी मेरे मंगाने के बाद और भी कम हो गए, कोई डिस्काउंट वगैरह की सेल चल रही है तो मैं भी शायद वो और सस्ता आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखते हैं इसके लिए क्या क्या करना है। वैसे जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपने वो करना कैसे है, बट मैं फिर भी आपको करके भी दिखाता हूँ कि इसको कैसे किया जाएगा एंड लगने के बाद आफ्टर ऑल इसकी कैसी लुक आती है और क्या आउटपुट आता है। बाहर चलते हैं और इसको एक बार लगाना शुरू करते हैं। तो फाइनली इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा सॉफ्ट कपड़ा, एक सीजर या कोई शार्प एज वाला आपका चाकू भी हो जिससे आप इसको कर सकें एंड ये अगर आपको टूल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इसको प्रॉपर वाइप ऑफ करने के लिए एंड थोड़ा सा पानी अच्छे साफ करने के लिए एंड कोई भी कोलिन वगैरह जैसा कोई स्प्रे जिससे आप उस सरफेस को अच्छे साफ कर सकें। तो सबसे पहले हमें सरफेस अच्छे साफ करनी है, गीले पानी से इसको 2-3 बार साफ करना है जिससे इस पर जितनी भी डस्ट है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद इसको हम अल्कोहल बेस्ड किसी भी क्लीनर कोलिन वगैरह से किसी से भी साफ़ करेंगे एंड उसके बाद कहीं हम इसको लगाएंगे। तो मैं इसको सबसे पहले साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद इस पर प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। जब तक आप इसको ठीक से साफ़ नहीं करेंगे तब तक इस पर डस्ट नहीं जाएगी और डस्ट नहीं जाएगी तो ठीक से इसको चिपकेगा नहीं। तो आपको वैसे तो मेज़रमेंट अगर कहीं का करना है तो प्रॉपर मेज़रमेंट के लिए आप कोई अपना मीटर वगैरह ले सकते हैं या दूसरा प्रोसेस ये है कि आप चिपकाने से पहले एक बार उसको लगा के देख लीजिए, अप्रोप्रिएट उसकी साइजिंग कर लीजिए और उस साइज़ पे उसको कट कर लीजिए। कट करके आप उसकी प्रॉपर मेजरमेंट करके प्रॉपर शेप में काट के उसके बाद आप उसको चिपकाना स्टार्ट करें। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको पहले से अच्छे से साफ़ कर दूँ, उसके बाद जब ये सूख जाएगा तब उसके बाद इस पर कहीं प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी चारों कॉर्नर में कर देता हूँ साफ। वैसे इसको आप डेकोरेशन के लिए कई सारी जगहों पर लगा सकते हैं, कुछ लोग इस टेपिंग को
यहाँ पर अपने डोर वगैरह पे भी लगा लेते हैं, या कहीं आपका कोई सर्टेन स्क्रैच लग गया है वहाँ लगा लेते हैं, या कुछ लोग इसको यहाँ पर भी लगा देते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी लगा देते हैं, या आई हैव सीन फ्यू पीपल जो कि मैंने जो ORVM है उस पर भी यहाँ लगा देते हैं, तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन जाता है। या कई बार क्या होता है कि ORVM थोड़ा बहुत साइड से कहीं से उस पर हल्का फुल्का स्क्रैच आ जाता है, जैसे ये मेरे पे भी आ गया होगा कहीं लग के, तो हल्का फुल्का स्क्रैच आ जाता है, तो उस स्क्रैच को हाइड करने में भी ये काम आ जाता है, तो इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक ये सूख ना जाए, क्योंकि गीले सरफेस पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद हम इसको एल्कोहल बेस जो क्लीनर है, कोलिन वगैरह है, सो उससे हम इसको साफ़ करेंगे। एंड ये इसका इंस्ट्रक्शंस गाइड में भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ जिससे आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके बाद हम इसको इससे अच्छे से साफ़ करेंगे, एंड किसी सॉफ्ट कॉटन से आप इसको पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई वाइप करने के लिए टिश्यू पेपर वगैरह हो उससे आप पूछ सकते हैं। जब उसे पहुँचने के बाद अच्छे से जब वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद कहीं उसको अप्लाई करेंगे, एंड तब हम उसको अच्छे से चिपका पाएंगे। तो एक बार ये थोड़ा सूख जाए उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सूख चुका है तो हम इसको इससे साफ़ करते हैं स्प्रे करके। एंड हम इसको करते हैं टिश्यू पेपर से साफ। अब दोबारा से साफ़ करने से पहले मैं एक बार इसको मेज़र कर लेता हूँ। इंची टेप तो मैं नहीं लाया हूँ, कोई भी मीटर गेज वगैरह, तो मैं एक बार खुद से इसको मेज़र करके काट लेता हूँ, जिससे कि जब ये सूख जाएगा दोबारा साफ़ करने के बाद तो मैं इसको अच्छे से इस पर चिपका सकूँ। तो एक बार हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो इसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको एक बार कट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मुझे काटना है, तो हम इसे एक बार यहाँ से काट लेते हैं। या तो आपके पास कोई शार्प एज नाइफ़ हो, या इसके जो कटर्स होते हैं वो हो, नहीं हो तो आपके पास सीजर तो एक होगी ही होगी, सीजर्स वुड वर्क फाइन। तो अभी मैं एक बार इसको दोबारा से और अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। इसके अंदर ही इस तरह से टेप होती है फ्रेंड्स, इसको आपने उतारना है ऐसे, और आप यहाँ से जहाँ से भी आपने मेज़र किया था वहाँ से आप लगाना शुरू करें। एंड कोशिश कीजिए कि आपका बिल्कुल सीधा लगे, नहीं तो आपको ये दोबारा इसे उतार के लगाना पड़ेगा। एंड वैसे तो जो इसका इन्होंने टूल दिया है उसका यूज़ हमने करना है ऐसे, क्योंकि इस टूल का काम ही ये है कि ये इसको ठीक से प्रॉपर चिपकाने काम करता है। तो आप कोशिश करें कि आपके एजेस जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली मिल जाएं। जैसे हमने फ्रंट पे चिपकाया है सेम वही प्रोसेस हमें ओल्डी फोर पे करना है। तो एक बार मैं इसको सारे को आपको चिपका के बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ओवरऑल कैसा लग रहा है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा ये मुझे कितने का मिला, कहाँ से मिला, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी। एंड ये इस तरह से आपने हटाना है थोड़ा सा, और ऐसे लगा के फिर जो आपका टूल है उससे इसको लेके आना है।
रुपये मैं लगा चुका हूँ, एंड फोर्थ ये पेंडिंग है। पसीने काफ़ी आ गए हैं, घर पे खुद से मेहनत करने में आ तो जाती है। बाकी अच्छी चीज़ है कि आप इसे घर में खुद से भी लगा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये पूरी अच्छी खासी रोल है, तो अभी मेरी बहुत थोड़ी सी यूज़ हुई है, इतनी सारी बची हुई है, इसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ आगे, कहीं पर भी साइड में अपनी डेकोरेशन के लिए, पूरी छत पे या कहीं पर भी, वेर एवर यू वॉन्ट। तो फटाफट लगा लेते हैं इसको, बारिश का भी मौसम होता आ रहा है एक बार, तो इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए, लेट्स फिनिश। तो कुछ इस तरह से लग रही है ये फाइनल लगने के बाद, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, चारों डोर पे मैंने लगा दी है। तो फाइनली लगने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है, आपने देख ही लिया। आपको कैसी लगी? मुझे तो पर्सनली दोस्तों बहुत अच्छी लगी, एंड ये मुझे पड़ी है 300 समथिंग की, एंड ऑनलाइन मैंने ली थी जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो आप भी बाय करके घर पे लगा सकते हैं। अभी तो मेरी कुछ भी ये यूज़ नहीं हुई, थोड़ी सी यूज़ हुई है यही। अगर हम बाहर से लगवाने चले जाते तो जितने की है मुझे ओवरऑल पड़ गई है, इससे ज़्यादा तो शायद लगाने के या अपने प्रोडक्ट के ले लेते। तो अभी ये मेरे पास इतनी सारी बची हुई है, जिसको मैं बहुत सारा अपनी कार पे कहीं पर भी मुझे अगर डेकोरेशन करनी हो या यूज़ करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी इसको लेकर राय हो। अच्छी अगर ये वीडियो लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ऐसी ढेरों वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एंड इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज स्टे होम स्टे सेफ।